दिन भर का काम, फिर शावर, फिर बीवी के हाथों की चंपी, और आदमी को क्या चाहिए, दो पल का चैन। हेलो, जो इस घर में कभी नहीं मिलता। भैया क्या हुआ? आज ड्यूटी पे कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं थोड़ा परेशान हूं। मैं आज सिमरन से मिला। तो परेशान तो उसे होना चाहिए ना। सिमरन किसी की जेब तो नहीं काट रही थी? एक गाड़ी ने स्पीड में सिग्नल तोड़ा। मैंने जाके देखा तो क्या देखा कि वहां पर सिमरन बैठी हुई है किसी गैर रूल तोड़ू मर्द के साथ। आपने उससे कुछ कहा? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी घनी जुल्फों में टोमेटो पॉपकॉर्न का एक दाना अटका हुआ था, तो जाहिर है ना कि वो दोनों फिल्म देख के आ रहे थे। आया, तुम और सिमरन तो अच्छे दोस्त हो ना? हाँ। तो बताओ वो किसके साथ फिल्म देखने जाती है? मुझे क्या पता। नवजोत गुलाटी, उम्र 32 साल, ब्लड टाइप एबी नेगेटिव, पहाड़गंज का रहने वाला। बताओ क्या जानती हो तुम उसके बारे में? भैया आप दोनों अलग हो चुके हो। सिमरन किसी और के साथ फिल्म देखने जाना चाहती है तो ये उसका हक है। क्या वो मेरे साथ फिल्म देखने नहीं जाना चाहती? क्या आप उसके साथ फिल्म देखना चाहते हैं? क्या उसने कहा वो मेरे साथ फिल्म देखना चाहती है? क्या आप पूछ रहे कि वो आपके साथ फिल्म देखे? नहीं, क्या उसने? कोई झगड़ा नहीं करेगा, और अगर झगड़ा करोगे ना तो तुम दोनों की पॉकेट मनी काट दूंगा। रजनीश बेटा, माया बेबी सिर्फ इतना कह रही है कि सिमरन ना तेरे ऊपर अब थूकेगी भी नहीं, क्योंकि उसे कोई कार वाला मिल गया। चुप रहो सुमित। भैया आप दोनों साथ नहीं हैं, और आप बड़े हैं भैया, बड़ों की तरह पेश आइए। तो ठीक कह रही हो माया, मैं बड़ा हो चुका हूं, मुझे बड़ों की तरह पेश आना चाहिए। माया, अभी तक तो उसके कार का चालान काटा है ना, अब उसकी गाड़ी टो करवाऊंगा, उसके बाद उसके टायर निकलवा के ना कश्मीरी बेट में बिकवाऊंगा, और वो भी किलो के भाव से। ये हुई बड़ों वाली बात। यस। चंपी, आज सिर्फ बर्तन धोके चली जाना। रजनीश, सिमरन, हाय। हेलो। तुम्हारी सांस इतनी ताजा कैसे है? सौफ खा रहे हो? हाँ, सौफ। जब मुझे चीजें साफ साफ नहीं समझ में आती तो कह छोड़ो, कभी कभार जोक के बीच में ही समझ में आ जाता है कि कोई नहीं हंसने वाला। मैं हंसूंगी। तू भी तो थी जो हंसती थी। अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ। रजनीश, मैं तुमसे उस दिन के बारे में बात करने आई थी। देखो, चालान के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि फाइन तो मैं जमा कर चुका हूँ ना। नहीं नहीं, चालान काटना तो बनता था, सिग्नल तोड़ा था ना उसने। हाँ, तुम्हें पता है उसकी वो गाड़ी थी, वो सेकंड हैंड थी, फर्स्ट हैंड खरीदने की औकात नहीं उसकी। उस दिन मुझे पता था कि हम उस सिग्नल से गुजरेंगे, और ये भी पता था कि तुम्हारी ड्यूटी वहां होती है। तो मैंने उससे कहा सिग्नल तोड़ने को, ताकि तुम हमें पकड़ लो और मैं तुम्हें। मुझे क्या? तुम मेरे, कह दो सिमरन, एक बार कह दो, कब से कान तरस गए तुम्हारे मुंह से वो नाम सुनने को। पुचको, पुचको, पुचकी। cool.
मुझे अब चलना होगा. आई एम सॉरी मैं और देर तक रुक नहीं पाई. पुचकू. कोई बात नहीं पुचकी. दो पल के लिए तुम्हारा हाथ थामने को मिल गया. ये बंदा तो बस इसी के लिए जीता है. चाहो तो ये हाथ काट के दे तू. छोड़ो पुचकी, वरना तुम अपना वो मेकअप कैसे कर पाओगे. वालिया जी, गुप्ता जी दिस साइड. मैं जानता हूँ आपको गुप्ता जी. नमस्ते गुप्ता जी. ये गुप्ता जी है मेरे पड़ोसी और इस बिल्डिंग के सेक्रेटरी. ओ, नमस्ते जी. वालिया जी, जी आपने जब ये फ्लैट किराए पे लिया तब आपने बताया नहीं था कि आपके घर पे कुड़ियों का आना जाना भी लगा रहेगा. कुड़िया? कहाँ है कुड़िया? ओ ये ये कुड़ी नहीं है. हाँ, ये मेरी पुचकी है. ये आप पहली बार आई है और दोबारा कभी नहीं जाएगी. अब जानता हूं मैं वालिया जी ये बिल्डिंग में क्या चल रहा है. तुम जैसी यंग जनरेशन ने डी ब्लॉक की रेपुटेशन को तो कहीं का नहीं छोड़ा है. गुप्ता जी, मैं तो बस अपनी पुचकी को मना रहा था. वो नाराज हो गई थी ना. अब नहीं हूं पुचकू. एक मिनट, तुम दोनों पुचके शादीशुदा हो क्या? हाँ, पकड़ी गई ना चोरी. शादी से पहले क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या चल रहा है आपको बताया तो हम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं कर रहे थे. सब पता है वालिया जी. आज तक ये फ्लैट में जितने भी किराएदार रहने आए सबके सब लूज कैरेक्टर के. गुप्ता जी, ये आप सब पता है मुझे. सब नोट करता हूं मैं. इस बिल्डिंग में कितनी लड़कियां जींस पैंट पहन के घूमती है, कितनी स्लीवलेस में घूमती है, सब पता है मुझे. कल स्विमिंग पूल में एक लड़की थी, उसके तो घुटने भी दिख रहे थे. गुप्ता जी, अब स्विमिंग पूल में कोई लड़की सलवार कमीज पहन के तो नहीं जाएगी ना? क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी स्विमिंग पूल में सलवार कमीज पहन के? पुचकी. तुम बस रिलैक्स करो ना सुमित. इस घर में रिलैक्स करना तो मुमकिन ही नहीं है, जहां हर 5 मिनट में कोई ना कोई. हेलो माया और मोनू. ये लो. क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ? क्या हुआ भैया? सिमरन और मैं फिर से. अरे वाह, ग्रेट न्यूज भैया. पता है मैंने पूरे 10 मिनट तक सिमरन का हाथ थामे रखा. लेकिन घर से निकलते वक्त बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने हमें देख लिया और अब वो मुझे बिल्डिंग से निकालने की धमकी दे रहा है, जबकि हम लोगों ने कुछ किया भी नहीं. कुछ किया नहीं या तुझसे हुआ नहीं? भैया मुझे आप पे पूरा भरोसा है. एक काम करते हैं ना, जब तक कि पूरा मामला ठंडा ना हो जाए आप यहाँ हमारे साथ रह लीजिए. सच? हाँ. तुम लोगों के साथ या फिर मम्मी जी पापा जी के साथ? कम से कम तुझे वहाँ अच्छा खाना तो मिलेगा. नहीं, खाना यहाँ का भी बहुत अच्छा है, लेकिन माँ के हाथ का खाना. भैया आप हमारे साथ रह सकते हैं और जब भी चाहे सिमरन को यहाँ बुला सकते हैं. थैंक्स माया. लेकिन फिलहाल ना ये बात मम्मी जी को पता नहीं लगनी चाहिए कि मैं यहाँ रह रहा हूँ. क्यों? तुम तो उन्हें जानती हो. उन्हें अगर ये बात पता चल गई ना तो बिगड़ जाएंगे कि पहले उन्हें ये बात क्यों नहीं बताई गई कि सिमरन और मैं एक साथ आ चुके. और फिर बात का पतंगड़ बन जाएगा. मोनू तो पीछे चूहों की तरह खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, लेकिन मम्मी तुमसे लड़ेंगी. लिख लो, ये बाबा रजनी श्री 108 वाले की भविष्यवाणी है. समझ गई भैया. मैं मम्मी जी को नहीं बताऊंगी. ओके ठीक है. तुम पूरी तरह से मैड हो गई हो क्या? क्या हुआ? उसे यहाँ मम्मी जी से छुपा कर रखोगी? उनसे बड़ा कोई जासूस नहीं है पूरे जीके में. बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैं मम्मी जी को मना लूंगी. और वैसे भी रजनीश यहाँ पे नहीं रहे ना, उसी में हमारी भलाई है. पूरे दिन टीवी के सामने पड़ा रहेगा बनियान पहन के. हाँ, और वो तो तुम्हारी स्पेशलिटी है ना? 4 अलग-अलग तरीके की बदबूएं आती हैं उससे, और जब वो अपने जूते खोलता है ना तो ऋषि मुनियों की तपस्या भंग हो जाती है. बोलो, तेरे पास 3 तकिए थे, मैंने 1 ले लिया, मेरा फेवरेट पिंक. देख लो भाई, मुझे 3 तकियों के साथ ही नींद आती है. अबे 3 तकिए गर्दन के नीचे लगा के सोएगा ना तो टूट जाएगी गर्दन. एक गर्दन के नीचे, 1 झप्पी लगाकर और 1 टांगों के बीच में लगाकर सोता हूँ मैं. झप्पी वाला है? टांगों के बीच वाला है.
quiet period of play at the moment. The Indians trying to recover from the double blow. 104 for two. Shikhar Dhawan. ढूंढ लिया। ओहो। मुझकी। चॉकलेट सिरप। तुम खिलाओ तो ही। सोनू वो क्या कर रहे हो? पढ़ाई। सॉरी मोनू। हाथ नहीं पकड़ना वरना मैं तुम दोनों को अपने अपने घर भेज दूंगा अकेले पढ़ाई करने। फिर भी नहीं, फिर भी तुम दोनों ना ऐसे नहीं मानने वाले। चलो जाओ, हटो 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 हटो। हैंड्स ऑन योर नीज एंड फिंगर ऑन लिप्स। चलो चलो। मोनू क्या कर रहा है यार, समझा करना। हम दोनों इतनी लंबी जुदाई के बाद मिले हैं, थोड़ा तो हमें अकेला छोड़ प्लीज। अच्छा कॉलेज में तू भी तो एक बंदी घर पे लेके आया था, तब तो मैंने तुझे ऐसे हैंड्स और नीज और फिंगर और लिप्स करके नहीं बिठाया था। कब कब हाँ कब 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 हाँ वो हाँ वो लड़की जो घर पे अपना दुपट्टा छोड़ गई थी, है याद है? हाँ ये याद है याद है याद है। हाँ सुमित वो दुपट्टा कैसे छोड़ गई थी? मत पूछो। बोलिए ना। बोल बोल। मैं बताता हूँ। उन दिनों ना मोनू है ना दिल तो पागल है देखकर आया था। अच्छा। और माधुरी का बहुत बड़ा फैन हो गया था ये। हाँ। तो उस लड़की का दुपट्टा लेकर ना उसको माधुरी के स्टेप सिखा रहा था। उसने मुझे चैलेंज किया था और बालिया कभी भी चैलेंज से मुकरते नहीं है। अबे दुपट्टा बांध कर ठुमका लगाने से तो मुकरते है। इसने ना यहाँ पर कमर लचकाई और वहां से पापा दिया तुम के। वो बंदी तो कट ली। और याद है मोनू पापा जी को मुझे समझाना पड़ा कि उनका लाडला बेटा लेडीज क्यों बना हुआ है। यार मैं तुम लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। शर्म शर्म। अबे लेकिन शर्म तो तुझे आनी चाहिए। हाँ कम से कम हमने अपने कपड़े पहने हुए एक दूसरे के नहीं। कहाँ जा रहा मोनू? माया के कबर से दुपट्टा निकाल ले। देख देख लिया तेरा भाई चाह रहा, मैं जा रहा हूँ। मोनू जरा संभल कर। एक्सक्यूज मी प्लीज। कहीं दरवाजे में तेरा दुपट्टा ना अटक जाए। हसलो हसलो हसलो। और सोनू तुझे तो मैं रुला के रहूंगा, याद रखना ऊपर वाली की लाठी में ना आवाज नहीं होती। मोनू तेरे लिए राजमा लाई हूं। मैंने कहा ना ऊपर वाली की लाठी में जो ना आवाज नहीं होती है। राजमा ये देख। हाँ राजमा। हाँ माँ के हाथ का राजमा। अब मैं ये राजमा अकेले साफ कर जाऊंगा। मोनू तू कितना खुश हो गया मेरा राजमा देख के। थोड़ा सा राजमा मेरे लिए भी रख ली। सोनू तू यहाँ क्या कर रहा है? मम्मी जी वो मैं मोनू से किताब लेने आया था। किताब? कौन सी किताब? लव पुचकी और धोखा। ऐसी कोई किताब है?
हाँ हाँ बहुत पॉपुलर किताब है, इनफैक्ट इस किताब पे ना पिक्चर भी बनने वाली है। कुछ को मैं भी खाऊंगी राज। माँ लो बन गई पिक्चर। सुनो सिमरन तुम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो? सिर्फ बातें ही नहीं मम्मी जी। ये कब हुआ? मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों छुपा रहे हो मुझसे? नहीं नहीं मम्मी जी आपसे ऐसे कोई छुपाने वाली बात नहीं है, वो तो माया ने बस हमें कहा कि। माया ने कहा मुझसे छुपाने के लिए? सुमित खाने में क्या खाओगे? माया तूने इन दोनों से कहा मुझसे छुपाने के लिए? देखा बाबा रजनीश श्री 108 वाले की भविष्यवाणी। सबसे पहले मम्मी जी आप कैसी हैं? और दूसरी बात रजनीश भैया कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं। क्या सोनू तू यहाँ रहने आया? तूने तो कहा कि किताब लेने आया। क्या चल रहा है? पूछिए इनसे। और ये लोग मुझे चिढ़ा भी रहे थे। सिमरन तुझे ये शोभा नहीं देता। और चिढ़ाओ मुझे हाँ? और कहो कि मेरा दुपट्टा अटका हुआ है। मम्मी जी हम अंदर सिर्फ बात कर रहे थे। सिमरन मैं गंवार नहीं हूं, मॉडर्न सास हूं, सब समझती हूं मैं। देख सिमरन एक बात सुन ले, मैं मॉडर्न सास हूं लेकिन ना मेरे संस्कार अच्छे हैं। मेरी मॉडर्न होने का फायदा उठाया तूने। अरे पुचकी तुम रो मत पुचकी। और मम्मी जी आप ऐसे सिमरन पे भड़की मत, हम दोनों ऐसा कुछ गलत नहीं कर रहे थे अंदर। हाँ मम्मी जी। मम्मी जी मैं सिमरन से प्यार करता हूँ और वो मुझसे प्यार करती है। हाँ मेरी केयर करती है, वो मेरी बातें सुनती है, मेरे जोक्स पे हंसती है, मुझ पे नहीं हंसती है। कहने का मतलब कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सोनू तुम दोनों शादी कर रहे हो? हाँ। मेरा बच्चा। अरे सिमरन। ओह माय गॉड सिमरन। एक मिनट एक मिनट माया, हम शादी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हो? मैं राजी हूँ। रजनीश कुछ दिन पहले तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो, जल्दबाजी नहीं करना चाहते, और अब बिल्कुल उल्टा कह रहे हो अपनी मम्मी जी के डर से। हाँ सिमरन लेकिन लेकिन क्या इतना डरते हो तो कल इनके कहने पर फिर से इरादा बदल लोगे? ऐसा क्या जादू किया इन्होंने तुम पे? सिमरन ये जादू नहीं है, ये इसका माँ के लिए प्यार है। मम्मी जी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ पर आप अपने बेटे की जिंदगी में बहुत टांग अड़ाती हो। और तुम्हें अगर मुझसे शादी करनी है तो अपनी मर्जी से करो, मम्मी जी की मर्जी से नहीं, समझे? और हाँ मम्मी जी आपका राजमा कभी कभी खारा होता है। देखा मम्मी जी अब आपकी वजह से क्या हो गया? पुचकी रुको मैं भी आ रहा हूं। देखा माया ये तेरी दोस्त थी ना, तू लेके आई थी ना यहाँ पे, देख कैसे बात कर रही मुझसे। मम्मी जी रजनीश भैया और सिमरन एक हो चुके थे, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत सुन लिया मैंने, जा रही हूं। तुम आ रहे हो सुमित? एक पति को अपनी पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए। सुमित मम्मी जी मुझे आपका राजमा कभी खारा नहीं लगता। आई लव यू। सब लोग सुन लो मेरा राजमा कभी खारा नहीं होता। चलो लेट हो रहा है जल्दी करो। चलिए। अरे गुप्ता जी जी वालिया दिस साइड। तो
नहीं कुछ नहीं, वो स्लीवलेस में काफी ठा लग रहे आप मिसेस गुप्ता। थैंक यू। थैंक यू क्या, ढको अपने आप को, चलो लूज कैरेक्टर।